दोस्तों, जब भी कभी भारत के सबसे अमीर लोग या फिर सबसे कामयाब बिजनेसमैन्स की बात की जाती है तो ऐसे में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। अब यूं तो नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी गौतम अडानी से काफ़ी आगे हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें कि वह भी गौतम अडानी से मात खा जाते हैं। असल में मुकेश अंबानी तो अपने पिता के शुरू किए हुए बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि गौतम अडानी ने अपना पूरा एम्पायर अपनी खुद की मेहनत से खड़ा किया है और यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बनाती है। और दोस्तों, इसीलिए आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको गौतम अडानी के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने से लेकर भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान बनने तक की मोटिवेशनल कहानी को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सफर की शुरुआत होती है 24 जून 1962 से, क्योंकि इसी दिन ही गुजरात के अहमदाबाद शहर में गौतम शांतिलाल अडानी या फिर कहें कि गौतम अडानी का जन्म हुआ था। गौतम के पिता शांतिलाल अडानी गुजरात में ही कपड़े का व्यापार करते थे और उस समय उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली माना जाता था। और फिर आगे चलकर गौतम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय नाम के एक स्कूल से की थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वैसे गौतम ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। दरअसल गुजरात के दूसरे लोगों की तरह ही उनका मन भी अपना बिजनेस करने का था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना उन्हें समय की बर्बादी नजर आता था और इसीलिए गौतम ने अपना बीकॉम पूरा करने से पहले ही पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर उन्होंने भी अपना पूरा फोकस खुद के बिजनेस को शुरू करने पर लगा दिया। वैसे यूं तो उनके पिता का कपड़े का व्यापार था और गौतम चाहते तो पिता के साथ उनके व्यापार में भी हाथ बटा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के बिजनेस में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना कुछ अलग कुछ बड़ा करना चाहते थे। और चूंकि उस समय वह काफी यंग थे, साथ ही उन्हें बिजनेस की भी कोई खास समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना काम शुरू करने से पहले बिजनेस की बारीकियों को सीखने और समझने का निर्णय लिया। और फिर बिजनेस सीखने के लिए वह बहुत ही कम उम्र में ही मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ अपना खर्चा चलाने के लिए महेंद्र ब्रदर्स नाम की एक डायमंड फर्म में उन्होंने हीरो की परख और उनकी छटाई का काम शुरू कर दिया और इस फर्म में उन्होंने लगभग 3 साल तक काम किया और यहीं से उन्होंने बिजनेस की बुनियादी चीज़ों को भी सीखा। वैसे उस समय तक उनके पास अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस काम को और भी ज़्यादा लंबे समय तक किया। और फिर आगे चलकर जब कुछ साल में गौतम अडानी के पास पर्याप्त पैसे हो गए, तब उन्होंने जॉब छोड़कर मुंबई के जावेरी बाजार के अंदर अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना कर दी और यह गौतम अडानी के द्वारा शुरू किया गया उनकी जिंदगी का पहला बिजनेस था। अब चूंकि गौतम के अंदर व्यापार करने की जबरदस्त काबिलियत थी, इसीलिए उनका यह पहला बिजनेस ही चल निकला और उन्होंने इस ब्रोकरेज फर्म के जरिए काफी सारा पैसा भी कमाया। हालांकि दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कमाए हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और हम सभी के इन्वेस्टमेंट को ही आसान करने के लिए काम कर रहा है ग्रो ऐप। दरअसल ग्रो फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में से किसी को भी चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहां पर सभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब कि आपको किसी एजेंट या मिडिलमैन को कमीशन नहीं देना पड़ता। और ग्रो के अंदर आपको UPI, डेबिट कार्ड और NEFT जैसे पूरी तरह से सिक्योर्ड पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से सुरक्षित बना देते हैं। साथ ही आप कभी भी अपने पैसों को सीधे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है तो इस ऐप के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, 10 मिलियन+ यूजर्स वाले ग्रो ऐप को अभी डाउनलोड करिए और अपने पैसों को म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के जरिए काम पर लगाइए। बस आपके पास पैन कार्ड, फोटो और बैंक डिटेल्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट 2 मिनट के अंदर ही ओपन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। प्लीज रीड ऑल स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। हालांकि दोस्तों, कहानी में अभी तक हमने यह जाना था कि अडानी का पहला बिजनेस ही काफी अच्छे से चल पड़ा था और उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज फर्म के जरिए काफी सारा पैसा भी कमा लिया था। लेकिन फिर 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट को खरीद लिया था और प्लास्टिक के इस नए बिजनेस में हेल्प के लिए उन्होंने गौतम को अपने पास बुला लिया और फिर गौतम भी अपने भाई की मदद करने के लिए तुरंत ही अहमदाबाद पहुंच गए। अब गौतम के बड़े भाई की जो यह कंपनी थी
उसको हर महीने 20 टन पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, और चूंकि भारत से उनकी यह जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए गौतम को पॉलीविनाइल क्लोराइड दूसरे देशों से इम्पोर्ट करवानी पड़ी। और फिर यहीं से गौतम अडानी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के दाव पेचों की जानकारी हुई। दरअसल गौतम को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना काफी पसंद आया और उन्होंने इस फील्ड में भी बिजनेस करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की, और यही कंपनी आज अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। गौतम की मेहनत, लगन और बिजनेस करने की समझ बूझ की वजह से उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यह बिजनेस भी चल निकला और उन्होंने इससे भी खूब सारा पैसा कमाया। दरअसल उनकी यह कंपनी मुख्य रूप से कृषि और पावर उत्पादों में व्यापार करती थी, और बहुत कम समय में ही उनके इस व्यापार ने काफी तरक्की कर ली थी। इसके बाद साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के आने के बाद से प्राइवेट कंपनियों के लिए व्यापार के और भी नए नए अवसर खुलने शुरू हो गए, और गौतम अडानी ने इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाया। असल में लिबरलाइजेशन के आने के बाद से उन्होंने अपनी कंपनी और अपने व्यापारों को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, और उन्होंने मेटल, टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी कदम रख दिया था। वैसे इस समय तक गौतम का बिजनेस तो काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन उन्हें इसमें एक बड़ी समस्या भी आ रही थी, क्योंकि गौतम का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से हर रोज उनके बहुत सारे शिप बंदरगाह पर आते थे, और बंदरगाह पर रहने वाली भीड़ और रश की वजह से अक्सर उनके शिप्स लेट हो जाते, और इस वजह से उनका समय तो बर्बाद होता ही था, साथ ही बिजनेस में भी लॉस हो जाता था। और अपनी इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों के बिजनेस में उतरने का निर्णय लिया, और फिर बंदरगाहों के क्षेत्र में उतरने का मौका उन्हें साल 1994 में मिल गया। दरअसल गुजरात की सरकार ने कच्छ में मौजूद मुंद्रा पोर्ट को चलाने का काम किसी प्राइवेट कंपनी को देने का निर्णय लिया, और साल 1955 में गौतम ने गुजरात सरकार से यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जिसके बाद मुंद्रा पोर्ट उनके अंडर में आ गया था। और दोस्तों बताया जाता है कि आज गौतम जिस भी मुकाम पर हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसी कॉन्ट्रैक्ट को ही हासिल करना। और फिर इस तरह से अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई थी। और आज की अगर बात करें तो यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर, और मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह कहलाता है। हालांकि आगे चलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए दूसरे लोगों के शिप्स का इस्तेमाल करना गौतम अडानी के लिए घाटे का सौदा हो रहा था, क्योंकि शिप्स टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, और फिर उन्होंने बहुत सारे शिप्स को खरीद कर इस समस्या का भी निवारण कर दिया। और फिर इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद साल 1996 में उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया, लेकिन उन्हें उनके दूसरे बिजनेसेस की तरह ही पावर बिजनेस में भी कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरअसल पावर के बिजनेस में थर्मल पावर के लिए जब उन्हें कोयला प्राप्त करने में समस्या होने लगी, तब उन्होंने कोयले की खानों को ही खरीदना शुरू कर दिया, और इस तरह से सिर्फ ना उनकी कोयले की समस्या दूर हुई, बल्कि उनकी कंपनी में एक और नया बिजनेस जुड़ गया, क्योंकि जब कोयले को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें आने लगी, तो इस परेशानी को भी खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी शुरू कर दी। यानी कि गौतम अडानी के सामने जब भी कोई मुश्किल आती थी, तब उनका एक बिजनेस और बढ़ जाता था, और इस तरह से अपने बिजनेस और कंपनियों की गिनती बढ़ाते बढ़ाते अडानी ग्रुप बहुत ही कम समय में कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया। और इस समय की अगर बात करें तो आज गौतम अडानी की बहुत सारी कंपनियों में से 6 कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड हैं, और साथ ही गौतम अडानी अभी भी नए नए बिजनेसेस में कदम रखते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने, इतने सारे प्रॉब्लम से सीख लेते हुए हमेशा गौतम अडानी आगे बढ़ते रहे, और आज वह भारत के दूसरे सबसे धनी इंसान बन चुके हैं। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अपने पैसों को आप काम पे लगाइए, और ग्रो ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।